हे गाइस, ये माता दी मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमावत। कैसे हो आप सब? आई पॉप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि प्रोडक्ट कौन से स्किन पर लगाया जाता है, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है और क्या इसकी प्राइस है, कौन सी स्किन पर लगाए, कब, कैसे, किस तरीके से यूज करना है। ये सब फुल जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहते हैं अपनी स्किन को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उनकी आज टेंशन खत्म करने वाली हूँ। इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लोग इस प्रोडक्ट का यूज किए हैं और काफ़ी लोगों को जानना है कि प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए कितना बेस्ट है, कितना नहीं है, तो मैं ये सब फुल जानकारी मैं आप आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे कि मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप भी इस प्रोडक्ट का यूज़ किए हो, आपको कैसा क्या रिजल्ट मिला है, गंदा मिला है कि अच्छा मिला है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को अनेक प्रोडक्ट मैं आप लोगों को शेयर करूँ और रिव्यू शेयर करूँ उनके बारे में। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि होम्योपैथिक क्रीम के बारे में। ये एक होम्योपैथिक क्रीम है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं अपने स्किन के लिए, ठीक है। तो ये होम्योपैथिक क्रीम है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है, अपनी स्किन के जो प्रॉब्लम है उसको ये रिमूव करता भी है और काफ़ी लोगों का कहना है कि इससे अपनी स्किन के जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हुए है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि सच में रिमूव हुए है कि नहीं हुए है। तो प्रोडक्ट का नाम है टॉपी तुजा क्रीम है, होम्योपैथिक क्रीम है टाइप का ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सी स्किन पे लगाया जाता है, इसी प्रोडक्ट का कौन सी स्किन पे यूज किया जाता है, जब हमारे स्किन पे ब्राउन वाले तिल हो जाते हैं या फिर हमारे स्किन पे मसे हो जाती है, इस टाइप की स्किन हो जाती है, तो कैसे इन सब में ना हमें जलन, दर्द, इस तरीके की कुछ भी तकलीफें नहीं होती, ओनली ये मसे होती है, उसमें कुछ भी जलन, खुजली कुछ भी नहीं चलता, बस ओनली इसमें कुछ ना दर्द होता ना कुछ भी नहीं होता। और ब्राउन वाले तिल में भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ओनली वो हमारी स्किन पे थोड़े भद्दे दिखने लग जाते हैं, हमारी स्किन थोड़ी ख़राब दिखने लग जाती है, उसकी वजह से हम इसको हटाना चाहते हैं अपनी स्किन से, इन सबको हम हटाना चाहते हैं कि हमारी स्किन से ये हट जाए और अपनी स्किन जो क्लियर स्किन अपनी वो हमारी साफ दिखे और ये सबकी प्रॉब्लम हट जाए जड़ से। तो इसमें इंग्रीडियंट्स है तुजा ऑक्सीडेंटलीस है इसमें और क्रीम बेस है क्यूएस है, ठीक है। तो ये अपनी स्किन से मसे को भी हटाता है और जो ब्राउन वाले तिल होता है उसको लाइट करने में मदद करता है। तो इसमें ये इंग्रीडियंट्स है। तो बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को लगाना किस तरीके से वो जान लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आपको दिन में 3-4 बार लगाना है, लेकिन गाइस मैं एक सलाह देती हूँ आप लोगों को कि इस प्रोडक्ट को आप धूल मिट्टी में ना लगा के जाइएगा, बाहर ना लगा के जाइएगा। अगर आपको आप बाहर जा रहे हो, धूल मिट्टी में जा रहे हो, तो इसको ओनली आपको नाइट में लगाना है, जहाँ जहाँ आपकी स्किन पर लगा रहे हो आप वहाँ पर क्लीन करके अपनी स्किन को फिर बाद में यूज करना है। और अब जान लेते हैं इसकी प्राइस। तो 20 ग्राम की ये पैकेजिंग मिलेगी और इसकी प्राइस 70 रुपीज़ है, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी आप लोगों को। अगर मेडिकल स्टोर में ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अपनी जो स्किन के जो तिल होते हैं ब्राउन वाले उसको लाइटनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, उसको ये लाइटनिंग ही करता है, अपनी स्किन को थोड़ा गोरा कर देता है, अपनी स्किन को फेयर कर देता है, ताकि हमें लगने लग जाता है कि अपनी जो ब्राउन वाले तिल होते हैं ना वो हट गए हैं, वो स्किन को लाइट कर देता है। लेकिन ये मसे को हल्का ही हटाने में मदद करता है, ये जड़ से नहीं हटाता है ये प्रोडक्ट, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक भी इसका यूज़ किया गया है और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हल्का ही ये हटाने में मदद करता, जो मसे थोड़ी मोटी टाइप की होती है उसको हल्का थोड़ा बारीक करने में मदद करता है ये प्रोडक्ट। ऐसे ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इसको लंबे समय तक 1 मंथ तक भी यूज करेंगे तब भी वो इतना छोटा ही बना के रखेगा, उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेगा ये प्रोडक्ट। तो गाइस, ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहो, आपके जो ब्राउन वाले तिल को हटाना चाहते हो तो आप इसको खरीद सकते हो, अपनी स्किन को लाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करने में मदद करेगा और मसे को हटाने में भी हल्का मदद करेगा ये, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को आपको इसकी जब इसको लगा रहे हो इस प्रोडक्ट को, तो इसकी कैप को अच्छे से टाइटली करके बंद कर देना है और इस प्रोडक्ट को आपको ठंडी जगह पर ही रखनी है, जैसे मटके के पास ठंडी जगह पर रखनी है, ठीक है गाइस। और जब इस प्रोडक्ट को लगा रहे हो तो आँख नाक मुँह से दूरी बना के यूज करनी है, क्योंकि कभी आँख में लगा लिया मुँह में नहीं लगानी है, छोटे बच्चे से दूरी रखनी है इस प्रोडक्ट को। और काफी अच्छा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह है बिगर आप ना खरीदें, अगर आप कोई बीमारी से परेशान हो, प्रेगनेंसी के टाइम इस प्रोडक्ट का यूज ना करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज प्लीज प्लीज।